जी आईपी स्टूडेंट्स, आईपी स्टूडेंट्स प्रीवियसली वी हैव वर्क्ड विद बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो देखिए ये जो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, इनको आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं इन ऑपरेटर्स को। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू नेगेटिव नंबर अर्थमेटिक इन पाइथन एज वेल एज रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो नेगेटिव नंबर को जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस में पाइथन में परफॉर्म करते हैं तो किस तरह से करते हैं, एक्चुअली बिल्कुल सेम जैसे हम अपना अर्थमेटिक ऑपरेशंस को नंबर्स के साथ परफॉर्म करते हैं मैथमेटिक्स में, कुछ इस तरह से ही रहेगा। लिटिल बिट डिफरेंस है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे -5 है +3 है इक्वल टू, ये क्या रिटर्न करेगा, ये यहाँ +2 की बजाय -2 रिटर्न करेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस में आएगी वैल्यू और वो माइनस ही करेगा इसको। देन अकॉर्डिंगली -5 -3, तो माइनस माइनस क्या होगा, ऐड होगा और साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। फिर इसी तरह से ये ऑपरेशंस भी हैं, इनको आप खुद कर सकते हैं क्योंकि ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। देखिए जो डिस्कस करने वाली चीज है वो ये है, जब कोई भी एक आर्गुमेंट हमारी नेगेटिव होती है और हम यूज कर रहे हैं या तो फ्लोर डिवीजन मेथड, या फिर हम यूज कर रहे हैं सिंपल डिवीजन मेथड, या फिर हम यूज कर रहे हैं ऑपरेटर हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये आपका फ्लोर डिवीजन मेथड है जो पॉइंट के बाद जो क्वेश्चन रहता है उसको ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर देता है, और ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है जो रिमाइंडर रिटर्न करता है और ये क्वेश्चन रिटर्न करता है। तो इन सभी में थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई भी एक आर्गुमेंट चाहे वो डिविडेंड है चाहे वो डिवाइजर है, अगर वो माइनस में है तो फिर देखिए आपका क्वोशेंट जो है वो तो माइनस में ही रहता है, और जो रिमाइंडर है वो डिपेंड करेगा वैल्यू हमारी किस तरह से आ रही है। अब जैसे यहाँ देखिए हमारा जो डिवाइजर है वो -3 है और डिविडेंड हमारे पास 5 है। तो देखिए हमने यहाँ जो साइड में इसमें देखिए बॉक्स में इसकी ऑपरेशन परफॉर्म की है, इसमें फ्लोर डिवीजन मेथड यूज किया है। जब हम फ्लोर डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो डिवाइड करते वक्त देखिए आप किस तरह से डिवाइड करते हैं, 3 1 3 करते, लेकिन जब आप फ्लोर डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं और कोई भी एक आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो आप उसको इस तरह से नहीं करेंगे 3 1 3, आप उसको एक नंबर एक्स्ट्रा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 2 6 और फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो रिमाइंडर रहेगा -6 है, क्योंकि 6 को हम माइनस कर रहे हैं, ये जो सेकंड नंबर होता है हमारा इसको हम माइनस करते हैं, इसीलिए ये जो रिमाइंडर है ये भी हमारा -1 रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बी पार्ट वो इससे रिलेटेड है। तो एक आर्गुमेंट जो हमारी -5 है और दूसरी हमारी 3 है, तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन है वो हमारा माइनस में जाने वाला है, और क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन मेथड है तो इसको हम किस तरह से करेंगे, 3 1 के बजाय 3 2 पे ही जाएगा ये भी, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है क्योंकि ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस हमारा सिंबल प्लस का आएगा लेकिन वैसे एक्चुअल में ये माइनस ही करेगा। अगर हम यहाँ पे अपने रूल्स को देखें मैथमेटिक्स के तो ये देखिए बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो माइनस में ही जाएगा। फिर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं हमारा ये वाला -7 और 4, और इसमें क्या है, इसमें देखिए एक आर्गुमेंट हमारी माइनस में है और दूसरी हमारी प्लस में है, तो क्वेश्चन तो हमारा हमें पता चल गया कि माइनस में ही जाएगा, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अब फ्लोर डिवीजन की बजाय हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे, यहाँ पे 4 1 4 फिर आगे पॉइंट्स में लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा फ्लोर डिवीजन डिवीजन मेथड था और ये हमारा फ्लोर डिवीजन है। तो ये जो आउटपुट आ रही है आपकी यहाँ विंडो में आउटपुट दी हुई है, ये फ्लोर डिवीजन को लेकर के दी है और सिंपल डिवीजन मेथड को लेकर के दी है और साथ में मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके दी है। तो इनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अकॉर्डिंगली आप फाइंड आउट करने में इजीली मतलब आउटपुट फाइंड आउट करने में आप बहुत इजी फील करेंगे और इजीली आपकी आउटपुट जो है आपकी मैच भी हो जाएगी। तो इसके बाद देखिए हमारा एक जो बहुत ही एक अच्छा सा टॉपिक है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आप सभी को पता है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारा वो इक्वल टू होता है।
अब इक्वल टू ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। कौन सी वैल्यू? जो राइट साइड में वैल्यू है, ये सपोज देखिए ये राइट साइड की वैल्यू है, इसको हम लेफ्ट साइड में को जो वेरिएबल होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसको हम असाइन करते हैं। तो पाइथन में हम इस तरह से वैल्यू को असाइन करने की बजाय ऑगमेंटेड असाइनमेंट अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली हम एक स्टेटमेंट को इस तरह से एक लॉन्ग वे में लॉन्ग मेथड से लिखने की बजाय हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो जो उसका शॉर्ट मेथड होता है ना, उसी एक्सप्रेशन को टाइप करने का लिखने का जो शॉर्ट मेथड है उसी को ऑगमेंटेड असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ टाइप करते हैं, उसी को ऑगमेंटेड असाइनमेंट बोलते हैं। जैसे कि टू ऑपरेंड्स हैं हमारे पास ए और बी, हम क्या कर रहे हैं ए और बी को प्लस करके ए को असाइन कर रहे हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से टाइप कर सकते हैं, ए पहले फर्स्ट ऑपरेंड, देन अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर सेकेंड ऑपरेंड। फिर दोबारा बता रही हूँ, पहले फर्स्ट ऑपरेंड, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर सेकेंड ऑपरेंड। तो ए प्लस इक्वल टू बी इस तरह से टाइप करेंगे। तो ये हमारे डिफरेंट ऑगमेंटेड ऑपरेशंस हैं जिनको हम इस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है, x माइनस इक्वल टू वाई इस तरह से भी हम टाइप कर सकते हैं। तो ये आपकी ऑपरेशंस दी हुई हैं, ये इनकी डिस्क्रिप्शन है, आप इनको वन बाय वन करके देखिए आपको समझ आएंगी। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस लिए यूज करते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स? रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ऐसे ऑपरेटर्स जब हम टू वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। और जब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स किसी एक्सप्रेशन में यूज करें तो वो हमेशा या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी एक्सप्रेशन या फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगी। तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, ये देखिए ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो जब इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को आप अपने एक्सप्रेशंस में यूज करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। देखिए कुछ प्रिंसिपल्स हमें गिवन है, ये प्रिंसिपल्स हमें हमेशा याद रखने चाहिए। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? फॉर न्यूमेरिक टाइप्स, जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं एक एक्सप्रेशन में तो उसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं और जिनके बाद जीरो है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 and 4.0, ये 4 और 4.0 दीज टू नंबर्स विल बी ट्रीटेड एज सेम, क्योंकि पाइथन क्या करता है 4.0 का जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है उसको ट्रंकेट करके इन दोनों को इक्वल कंसीडर करने की कोशिश करता है। फिर क्या है, स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, मीन्स जो डिक्शनरी का ऑर्डर होता है बिल्कुल उसी तरह से जो स्ट्रिंग्स हैं जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो उनका भी कंपैरिजन कुछ इसी तरह से रहता है। तो देखिए ए इज लेस देन ए मीन्स कैपिटल ए की जो वैल्यू है ना वो 65 होती है और स्मॉल ए की जो आस्की वैल्यू होती है वो 97 होती है। तो ये कोड्स तो मैं पहले भी आपको फर्स्ट चैप्टर में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा बताने की जरूरत है। तो ए का जो कोड है वो इंटरनली 65 होता है और स्मॉल ए का 97 होता है। तो कैपिटल ए को स्मॉल ए से क्या माना जाता है, ये इसे छोटा है। तो आप देख सकते हैं ये कैपिटल पी है और यहाँ पे कैपिटल सॉरी स्मॉल पी है। तो अगर हम पाइथन ये वाला स्ट्रिंग ले और ये वाला स्ट्रिंग ले तो हमारा ये वाला स्ट्रिंग जो है ये स्मॉल है इस वाले स्ट्रिंग से, ठीक है। फिर देखिए एक और फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, ORD फंक्शन। तो ORD फंक्शन से आप नॉर्मली किसी भी कैरेक्टर का जो ऑर्डिनल नंबर है उसका कोड है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए एक चीज आपको और बताई है कि ASCII कोड जो स्पेस का जो ASCII कोड होता है वो फिक्स है, वो 32 होता है। ये देखिए ये 32 है। तो स्पेस जब हम यूज करते हैं किसी, ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है ना तो इनके भी अपने कोड्स होते हैं, तो स्पेस का कोड होता है 32। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बताई जा रही है कि एप्पल और एप्पल दोनों सेम स्ट्रिंग्स हैं तो इसने ट्रू रिटर्न किया। लेकिन यहाँ पे एप्पल और एप्पल क्या दोनों स्ट्रिंग सेम है तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। बट एक चीज और, यहाँ एप्पल और यहाँ एप्पल से पहले एक स्पेस दिया हुआ है, ये यहाँ एक सिंगल स्पेस है, मीन्स इस ए से पहले क्या है 32 और इस ए का कोड क्या है 65। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाली स्ट्रिंग जो है सेकंड वाली स्ट्रिंग से बड़ी है तो इसलिए इसने इसको ट्रू रिटर्न किया है। तो इसको आप करके देखना,
प्रैक्टिस करके देखना. देन टू लिस्ट एंड सिमिलरली टू टपल्स आर इक्वल इफ दे हैव सम सेम एलिमेंट्स. जब हम टू लिस्ट को और टू टपल्स को भी कंपेयर करते हैं ना, तो अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है और जो एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स हैं, वो भी सेम है, तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. अभी एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको बताऊंगी. फिर है बूलियन ट्रू इज इक्वलेंट टू वन. ये तो आपको पता ही है कि ट्रू को हम न्यूमेरिक वैल्यू वन से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को हम जीरो से कंसीडर करते हैं. तो देखिए कुछ ये एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एल एक यहाँ पे टपल लिस्ट है और एम भी लिस्ट है और एन भी एक लिस्ट है. L में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और N में एलिमेंट्स है 1, 2, 3. अगर मैं ऐसे टाइप करूं कि L इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू के साथ कंपेयर करेंगे हमेशा, इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करेंगे जब, तो L इज इक्वल टू N, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. लेकिन अगर मैं टाइप करूं कि L इज इक्वल टू M, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. तो देखिए ये जो कुछ एक्सप्रेशंस आपको दी हुई है ना, ये इसी इस पर्टिकुलर ये जो असाइनमेंट्स हैं इनके बेसिस पे ये एक्सप्रेशंस को, बुलियन एक्सप्रेशंस को जो है यहाँ पे कंपेयर किया गया है और अकॉर्डिंगली उनके रिजल्ट को फाइंड आउट किया गया. तो ये आपको खुद करना है. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. तो इनको आप ट्राई करके देखना, यू कैन डू वेरी वेल. एक छोटा सा और मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे. देखो जैसे कि L इज इक्वल टू M, L और M को कंपेयर कीजिए. L में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और M में है 2, 4, 6. तो ये क्या रिटर्न करेगा? L इज इक्वल टू M विल रिटर्न फॉल्स. ऐसे ही L इज इक्वल टू M, दोनों के एलिमेंट सेम है तो इसने रिटर्न किया ट्रू. Q इज इक्वल टू P, अब देखिए Q में क्या है, Q एक टपल है, Q में एलिमेंट्स 1, 2, 3, P में 2, 4, 6. तो क्या दोनों सेम है? एलिमेंट्स दोनों के डिफरेंट है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. और अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ये जो डबल इक्वल टू सिंबल है ना बेटा, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स में इक्वल टू के लिए यूज होता है. और जो सिंगल इक्वल टू होता है, ये जो इक्वल टू है, सिंगल इक्वल टू, ये हमेशा असाइनमेंट के लिए यूज होता है. तो सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और जो डबल इक्वल टू है वो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है. ठीक है, तो आई थिंक ये जो थ्योरी टॉपिक है ये कोई बहुत ज्यादा टफ वाला पार्ट नहीं है आपके इस चैप्टर का. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं.